डिटेल में मटेरियल के बारे में बता दिया। इसके लिए पिछले साल हमारी एक जॉइंट मीटिंग भी हुई थी, उसमें डीसी साहिबान और एसपी साहब और तमाम हमारे जो इंजीनियरिंग विंग के एक्सियन थे और मोरोवर उसके साथ हमारे जो डीडीसी हैं वो भी आए थे सारे, तो उसमें ये बातें खुल के हुई थी, लेकिन उसका हल आज तक कोई निकला नहीं है। हमें ये कोई इंटरेस्ट नहीं है कि किसका क्रशर चलाना है किसका क्रशर नहीं चलाना, ये एडमिनिस्ट्रेशन की बात है, वो उनसे कोई कागज़ ले ना ले, कम से कम ये तो सोचे कि जो हम गवर्नमेंट के सरकारी इदारे के लिए काम कर रहे हैं, हमारे जितने भी ठेकेदार हैं ये सब गवर्नमेंट का काम कर रहे हैं, और गवर्नमेंट का काम करने के लिए भी हमें ये परेशानी आ रही है। मटेरियल हम गवर्नमेंट के लिए लेके जा रहे हैं, अगर लेकिन पकड़े जाते हैं तो 50,000 रुपये जुर्माना ठेकेदार को हो जाता है, और जम्मू से जाके हमारी गाड़ियाँ छूटती हैं, उसका कौन जिम्मेवार है? अगर आप बंद करते हैं तो वहाँ से नोटिस निकल आता है जी हम आपको ब्लैक लिस्ट कर देंगे, आपका काम स्लो हो रहा है। बट ह्यूमैनिटी ग्राउंड पे एडमिनिस्ट्रेशन को ये देखना तो चाहिए कम से कम कि भाई ये मटेरियल आ कहाँ से, अगर आ रहा है तो चोरी से आ रहा है। गवर्नमेंट हमें खुद ये प्रेशर डाल रही है कि हम करप्शन करें, हम चोरी से मटेरियल लेके आएँ, ट्रैक्टर रात को चलाएँ, रात को पुलिस वाले अगर पकड़ते हैं तो उनको पैसे दें छुड़ाने के लिए, और सारा सिस्टम ख़राब कर रहे हैं। कम से कम हमें ये एक कंसेप्ट बना दें कि ये जो ठेकेदारों के लिए ये क्रशर ओपन है वो अपनी अलाटमेंट साथ में रखे, या कोई सर्टिफिकेट ऐसा एक्सचेंज साहब बना के दे दें कि इसको इतना मटेरियल ज़रूरत है, ये फला क्रशर से उठाए, और वो दिन वो जाए शाम को जाए जब मर्जी उठा के ले आए, उससे हमारी काम की प्रोग्रेस बढ़ेगी, गवर्नमेंट का जो डेवलपमेंट है वो बढ़ेगी। अब ये JJM के जो काम है इसका इतना प्रेशर है कि हमारे कितने ठेकेदारों ने तो सरेंडर कर दिए हैं काम, किस वजह से कि मटेरियल नहीं मिल रहा, और वहाँ से वो प्रेशर डाल रहे हैं कि जी हम आपको ब्लैकलिस्ट कर देंगे, हम आपकी पेमेंट्स रोक देंगे, कि जब अगर आप काम टाइमली नहीं ख़त्म करोगे। भाई टाइमली नहीं ख़त्म करेंगे तो काम होगा कैसे जब मटेरियल ही नहीं है? ये मटेरियल की अवेलेबिलिटी जो है ये तो एडमिनिस्ट्रेशन को देखनी है। हमारे यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कठुआ के अंदर ये 100 क्रशर है, हम कह रहे हैं कि 2-3 क्रशर को आप अथोराइज कर दो कि ये 2 क्रशर्स हैं, जितने कॉन्ट्रैक्टर्स गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे हैं वो इन क्रशर से माल उठाएं, उनके लिए ना ए फॉर्म की जरूरत हो ना किसी चीज़ की जरूरत हो। अपनी बिलिंग हम अपने लिए लेते हैं GST के लिए, वो हम अपनी GST। आज यहाँ एक प्रेस वार्ता ये जो चल रही है, एक तो आप प्रेस वालों का भी शुक्रिया, टाइम टू टाइम आप लोगों की समस्याएं बताते हैं। दूसरा ये जो अभी ठेकेदार भाई ने कहा, साहब सिंह जी ने, दत्ता जी ने, कि हमें परेशानी क्या है, सरकार आए दिन रोज़ नया नया कानून लोगों के ऊपर थोप रही है। कौन सा कानून है? जिला हेडक्वार्टर है, ये देश का हिस्सा है, गेट पे आप GNK है, जहाँ से ही पूरा जम्मू कश्मीर को रास्ता जाता है, तो जहाँ की डेवलपमेंट रुकी हुई है, रावी के अंदर चले जाएं, सारखंड में चले जाएं, उज में चले जाएं, हीरानगर तनाव में चले जाएं, आज सारे क्रेशर बंद है। तो बंद क्यों है? ऑर्डर कोई नहीं, डीसी साहब ने कहा है, डायरेक्टर माइनिंग साहब माइनिंग ने कहा है, पोर्टल बंद कर दिया है। उनको पूछा जाता है तो वो कहते हैं हमने नहीं बंद करवाए हैं। रात को मेरी डायरेक्टर साहब OP भगत जी, जो पहले कठुआ में डिप्टी कमिश्नर रहे, माइनिंग के डायरेक्टर हैं, वो उनसे बात हुई, उन्होंने कहा हमने तो कोई ऑर्डर नहीं किया, एक ये है कि रात को ना चलें दिन को चलें, जहाँ ना रात को चढ़ रहे हैं ना दिन को चढ़ रहे हैं, और लोगों को परेशानी, ठेकेदार को तो परेशानी है, जो गरीब लोग एक छोटे छोटे कमरा बना रहे हैं, कोई अपनी कोठी बना रहा है, कोई मकान बना रहा है, रेत बजरी कोई सप्लाई नहीं है, और मन मर्जी के रेट, चाहे ठेकेदार हो चाहे लोको लोग हों, जो सरकार के रेट हैं उससे डबल रेट ले रहे हैं, पूछने वाला कोई नहीं है, अंधेर नगरी चौपड़ आया, यहाँ तो ये हालत है। और हर हफ्ते हर 10 दिन के बाद डिप्टी कमिश्नर साहब मीटिंग लेते हैं, JJM की तरफ से ठेकेदारों को वहाँ बुलाया जाता है कि आप अपनी प्रोग्रेस दें,
आप अपने काम क्यों नहीं स्टार्ट करते, फिर ठेकेदार कहाँ से शुरू करें? अगर ओवरहेड टैंक बनना है, कमरे बनने हैं, तो रेत चाहिए, बजरी चाहिए, मटेरियल चाहिए, वो तो मिल नहीं रहा। तो कोई सिस्टम नहीं है, पता नहीं है भाई क्यों बंद है, क्यों हरासमेंट की जा रही है ठेकेदारों को और क्रैशर वालों को। और मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, जिस मकसद के लिए इन्होंने क्रैशर बंद करवाए हैं, जहाँ तो वो मकसद कामयाब हो, ये जितने क्रैशर जहाँ लगे हैं, आम लोगों को जहाँ हज़ार रुपये सैकड़ा घर में रेत फेंकने वाले हैं, बजरी हज़ार रुपये सैकड़ा जो पाँच हज़ार रुपये आज ले रहे हैं, अगर वो मकसद बंद हो जाए, हमारा मटेरियल पंजाब की तरफ ना जाए, लोगों को तो ये मटेरियल देते नहीं है क्रैशर वाले, बहुत से वो पंजाब में माल बेचते हैं, और पंजाब के अंदर भी बहुत से नाले बहुत खड्डे हैं, बहुत हैं, वहाँ माइनिंग होती है, लेकिन उधर सख्ती हुई है तो हमारी रावी हमारा उज सैकड़ों के हिसाब से क्रैशर लगे हैं। सिर्फ क्रैशर जम्मू कश्मीर के लोगों के नाम पे हैं, लेकिन मटेरियल सारा पंजाब की तरफ, हरियाणा दिल्ली तक हमारा मटेरियल जा रहा है, वो बंद कर दें तो यहाँ को मटेरियल की कोई कमी नहीं। तो इसलिए हमारी अपील है इस सरकार के अंदर, इस एलजी सरकार के अंदर लोगों को सुविधा तो कोई मिलनी नहीं है। जो एक छोटा मोटा कमरा बनाते थे लोग, या ठेकेदार सैकड़ों के हिसाब से जो लोग काम करते थे, सरकार को काम अपने घर से पैसे लगा के, सरकार को काम करके, काम कंप्लीट करके उसके बाद पैसे मांगते हैं, वो भी ठेकेदार अब घरों में बैठ गए हैं। क्यों? कि उनकी पेमेंट नहीं हो रही है, दो दो करोड़ पाँच पाँच करोड़ ठेकेदारों की पेमेंट है, रोई नया कानून, कोई डोम, कोई दूसरा, कोई भीम, ये सारे ये जो इन्होंने वो चलाए हैं, इसलिए इनको अभी तक तो पीडब्ल्यूडी वालों को ये नहीं पता चल रहा है पेमेंट कैसे करेंगे। मार्च महीने के बाद आज तक मुझे नहीं लगता कोई दो करोड़ पेमेंट हुई, जो कि 50 करोड़ की पेमेंट या 100 करोड़ की पेमेंट ठेकेदारों की बैलेंस होगी सारे डिवीजन में डाल के। तो ये जो सिस्टम है क्रैशर बंद होने से ठेकेदार बैठे हैं बिना काम के, जो सैकड़ों के हिसाब से ट्रैक्टर चलते थे, सैकड़ों के हिसाब से काम चलते थे, वहाँ मजदूर मिस्त्री काम करते थे, ये सारे के सारे आज अपने घरों में बैठे हैं, ना कोई दिहाड़ी लगती है, सरकार नौकरी तो दे नहीं रही है, लेकिन कम से कम ये जो मजदूर जो काम करते हैं या ठेकेदार या दूसरे, ये कम से कम ये तो मटेरियल लोगों को मिलना चाहिए। और